namaskar. welcome to sgkg youtube channel classes and on this channel now we are going to discuss about frsr. fr stands for fundamental rules and sr stands for supplementary rules. these fundamental rules are such a be fundamental in our service life that all the gamut, all the events of our service, right from the appointment till the pension, everything is governed by fundamental rules and which is left over by fundamental rules. it is supported by supplementary rules. So it's very, very important for from career point of view, from service point of view for all the government servants. FRSR is very much concerned with our whole service career. So here, uh, FRSR fundamental rules in Hindi it uh, stands for Mulvuth Niyam. So it's a disclaimer given. This training material is for use in training of official. It should not be referred as gu government, guidelines of comment. In any in case of any variance in this training material, the government guidelines, rules, laws shall prevail. The fundamental rules and supplementary rules, that is F R and SR, define the and determine the financial terms and conditions of government employees like pay allowances, leave and travelling allowances. So, the fundamental rules are मूलभूत रूल्स हैं नियम्स हैं वो हमारे जितने भी सर्विस कैरियर में आ, अलग अलग कंडीशंस होते हैं सर्विस के कंडीशन होते हैं हम उनको और फाइनेंशियल टर्म्स को ये डिफाइन करते हैं डिटरमाइन करते हैं फंडामेंटल रूल्स आर द सेट ऑफ जनरल रूल बाय विच ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स विच पे इज डेबिटेबल टू सिविल एस्टिमेट्स दिज रूल्स हैड बी ब्रॉड इंटू फोर्स विद इफेक्ट सो जितने लोगों को गवर्नमेंट से सिविल इस्टीमेट से सैलरी मिलती है उन सब पर यह अप्लीकेबल है किस किस पे अप्लीकेबल है एफ आर एस आर उन सब पे अप्लीकेबल है जिनको जिनको सिविल इस्टीमेट्स से पेमेंट मिलती है इसके अलावा जिसको जिसको भी वो डिपार्टमेंट सी रूल अडोप्ट कर लेती है उन सब पर भी फंडामेंटल रूल्स अप्लीकेबल है कब से इफेक्टिव है दीज रूल्स हैड बिन ब्रॉट इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जनवरी 1922 ट्वेंटी टू दीज रूल्स हैड बिन ब्रॉट इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जनवरी नाइनटीन ट्वेंटी टू जी हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फर्स्ट टाइम 1919 में आया और 1919 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उस गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया को अथॉरिटी बना करके फ़ंडामेंटल रूल्स 1992 आया जो फ़र्स्ट जनवरी 1922 से इफ़ेक्टिव है 1922 आया जो 1922 से इफ़ेक्टिव है और तब से ये चल रहा है तो हम यूँ कह लें कि इसकी एक सेंचुरी हो गई है शताब्दी हो गई है सौ वर्ष हो चुके हैं इस रूल को आए हुए पावर में तो इस तरीके से फंडामेंटल रूल जो है वो ऐसा रूल हो जो अंग्रेज़ों के ज़माने में तो बना था लेकिन इसमें कोई बहुत बड़े चेंज नहीं किए गए अगर किए गए होते तो इसका नाम बदल गया होता हुँ? देर आर अ टोटल ऑफ वन थर्टी फंडामेंटल रूल्स स्टार्टिंग फ्राम फंडामेंटल रूल्स वन टू फंडामेंटल रूल्स वन थर्टी सो बेसिकली फंडामेंटल रूल्स वन थ्री जीरो वन थर्टी है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया फ्रीडम होने के बाद से इंडिपेंडेंट मिलने के बाद से इंडिपेंडेंस के बाद से गोवमेंट ऑफ इंडिया ने जो जो रूल्स अप्लीकेबल नहीं थे जो जो रूल्स अप्लीकेबल नहीं थे उनको स्पेशल एक्ट ला करके वो रूल डिलीट दिली, कर दिए सो प्रैक्टिकली 130 रूल्स आज के डेट में नहीं है सीरियल नंबर सेम है बट बीच बीच में बहुत से रूल को डिलीट कर दिया गया है क्योंकि तब तब जब रूल बना था तब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी थी और 1947 में फ्रीडम मिलने के बाद से 1950 में रिपब्लिक बनने के बाद से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने के बाद से इसमें से फंडामेंटल रूल्स में कुछ डिलीशन किए गए हैं द फंडामेंटल रूल्स कवर एंटायर इवेंट सिचुएशन विच अकर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू द पेमेंट ऑफ पेंशन पोस्ट रिटायरमेंट सो एक एक सर्विस कैरियर में जितने भी पढ़ाव पढ़ते हैं जितने भी इवेंट होते हैं स्टार्टिंग फ्राम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्टार्टिंग फ्राम ज्वाइनिंग टू द पेमेंट ऑफ पेंसन पोस्ट रिटायरमेंट ये सारी चीज़ों की जो डिटेल में व्याख्या की गई है वो फंडामेंटल रूल्स में व्याख्या की गई इसी लिए इसीलिए इसी शुरू में ही हमने कहा था कि फंडामेंटल रूल्स इज़ अटैच टू अस इन सच ए वे दैट वी कैन नाट रन अवे फ्रॉम दिस रूल्स ये सारे रूल्स डे टू डे हम पे अप्लिकेबल होते हैं डे टू डे मॉर्निंग टू इवनिंग अप्लीकेबल होते हैं अगर पता है तो आप समझ सकते हैं और नहीं पता है तो आप इधर से उधर इधर से उधर जानने के प्रयास करते रहते हैं उनको एक साथ यहाँ पर हम डाल रहे हैं आपकी सुविधा के लिए आर्टिकल थ्री सेवेंटी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑल द लॉज इन फोर्स इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया इंडियाटली बिफोर द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल कंटिन्यू इन फोर्स देर फॉर अंटिल अल्टर्ड और रिपील्ड और अमेंडेड बाय द कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सो गमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 360 सिक्सटी से थ्री जो है वो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करता है और जब कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोविजन पूरे हो जाते हैं तब आर्टिकल 372 आता है कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि जब जब जैसा जैसा जरूरत पड़ता है तब तब जो कॉम्पटेंट लेजिलेटिव अथॉरिटी होगी पार्लियामेंट होगी वो अपने ज़रूरत के अनुसार इसमें चेंजेज ला सकती है अमेंडमेंट कर सकती है उसके बाद 372 में ये कहा जा गया है कि जो भी 19 जो भी इंडिपेंडेंस से पहले लॉ थे रूल थे रेगुलेशन थे इस इंडिया में वे तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक पार्लियामेंट या कंस्टिट्यूंसी उनको चेंज नहीं कर देती अल्टर नहीं कर देती अपील नहीं रिपील नहीं कर देती में नहीं कर देती है तो जो जो इसमें अमेंडमेंट हुए हैं उनको डिलीट कर दिया गया है और बाकी एज इट इज एफ आर फाइन फंडामेंटल रूल्स 1922 जो फर्स्ट जनवरी 1922 को शुरू हुआ था वो अभी भी प्रैक्टिस में है सो so, जैसे हम कहते हैं अलग अलग सी सी एस रूल सी सी एस लीव रूल सोन सो सी सी एस कंडक्ट रूल 1964, सिक्सटी फोर सी सी एस सी सी ए रूल्स नाइनटीन सिक्सटी फाइव सी सी रूल्स नाइनटीन हर में हम जो एज ईयर डालते हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद डालते हैं फंडामेंटल रूल्स में जनरली हम ईयर नहीं बोलते हैं शायद ये कारण रहा होगा कि ये 1922 से चल रहा है और इसमें हमने अमेंडमेंट नहीं किया है मुझे लगता है कि इस पर अगर गवर्नमेंट की नज़र जाएगी तो इसमें करेक्शन होंगे क्योंकि इसके सप्लीमेंट में बहुत से सप्लीमेंट्री रूल भी बनाए गए हैं और टाइम टू टाइम डीओपीटी ऑर्डर इशू करके और इसको फर्दर मॉडिफाई करती रहती है क्लेरिफाई करती रहती है ज़रूरत यह है कि जितने भी ऑर्डर आ निकले हैं उन सब को उन सबको एक जगह कंसोलिडेट करके फंडामेंटल रूल्स को रीफ्रेम करनी चाहिए जो डिलीट है उनको हटा दीजिए और जो नए प्रोविज़न है उसको लगाइए तो साल तो हो गए चेंजेस तो होने हैं तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि एक बार इस पर पुनर्विचार करे <coughs> तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ एफ क्या क्या है पे रूल्स लीव रूल्स टी ए रूल्स पेंशन रूल्स ये चार मेन कंपोनेंट हमारे सर्विस कैरियर के होते हैं और ये चारों मेन कंपोनेंट एफ़ आर एस आर के द्वारा कवर किए जाते हैं पे रूल्स हर महीने में सैलरी मिलती है लीव रूल्स एज एन वैन रिक्वायर्ड हमें लीव जाना पड़ता है ट्रेवलिंग अलाउंसेस की ज़रूरत पड़ती रहती है तो ट्रेवलिंग का रूल क्या है और पेंशन तो जैसे कि हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट बन जाती है चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो चाहे न्यू पेंशन स्कीम हो तो उसके लिए भी ये जो है मेन कंपोनेंट जो है एफ आर एस आर में ही मेंशन किया हुआ है इसमें सप्लीमेंट्री रूल्स अलग अलग दिए हुए हैं लेकिन इसके जो फंडामेंटल रूल्स है जिसके बेसिस पे आगे के सप्लीमेंट्री रूल्स बने हैं जैसे लीव रूल्स यहाँ पर दिया हुआ है लीव रूल्स यहाँ पर जो दिए हुए फंडामेंटल इन नेचर है उसका एस्टेपुलेशन जो है वो लीव रूल्स 1972 में अलग से दिया हुआ है ऐसे ही पे रूल्स है पे रूल्स का भी टाइम टू टाइम डी ऑर्डर निकालती रहती है पे रूल्स में क्या आ जाता है पे रूल्स डील्स विद दिस रिलेटिंग टू स्केल ऑफ पे क्या होगा फिक्सेशन ऑफ पे कैसे होगा एनुअल इंक्रीमेंट कैसे होगा वेरियस अलाउंसेस कैसे होंगे ये सब क्या जो फंडामेंटल रूल्स है वो एफ आर एस आर में दिया हुआ है तो एफ आर एस आर इतना इंपॉर्टेंट है तो आइए इसके थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इसमें आ, कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पर पार्ट वन में एक्सटेंट ऑफ अप्लीकेशन आता है रूल वन टू ना एट और पार्ट टू में डेफिनेशन आता है रूल नाइन में सो रूल नाइन जो है अपने आप में एक जेंट बहुत बड़ा एक रूल नंबर नाइन जो है अपने आप में बहुत बड़ा रूल है रूल नंबर नाइन में लगभग थर्टी टू डेफिनेशनस हैं जी हाँ रूल नंबर रूल नंबर वन टू एट को के बाद रूल नंबर नाइन जो है उसमें लगभग थर्टी टू डेफिनेशन है और उस डेफिनीशन के साथ ही पार्ट वन कंप्लीट हो जाता है पार्ट टू स्टार्ट्स और पार्ट टू में जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस है सेवा की सामान्य शर्तें हैं दस से अठारह रूल में उसके बाद से पेमेंट शुरू होता है पार्ट थ्री में और पे के बारे में रूल 1943 सौ फोर्टी थ्री है एडिशनल एडिशंस टू पे के बारे में 44 फोर टू फोर्टी, फोर्टी है एंड कम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स जो है वो रूल 49 में है पार्ट फोर में आते हैं पार्ट फोर में आ, कुछ पार्ट तो ओमिट हो गए हैं इसलिए उसको दिया नहीं है ओमिट पार्ट क्या है 58 से लेके 104 तक <laughs> 58 से लेकर के 104 तक ओमीट हो गया है अब 130 से वन थर्टी रूल कहाँ बचे 130 रूल में ओमिटेड जो उस रूल्स हैं वो 58 एट टू वन है तो अगर एम में कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता है कि डेफिनेशन जो है इस 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 रूल में दिया हुआ है और उस रूल में अगर रूल 58 एट टू वन आता है तो आप मान के चलिए कि वो ही गलत है क्योंकि ओमिट हो चुका है रूल वन रूल फिफ्टी एट टू रूल वन हंड्रेड फोर ओमीटेड डिलीट हो चुका है डज नॉट एग्जिस्ट है जॉइनिंग टाइम रूल्स दिया हुआ है उसके बाद से पार्ट सेवन जो है फॉरेन सर्विसेज के बारे में है जी वन हंड्रेड नाइन टू वन ट्वेंटी सेवन और उसके बाद से सी सी एस लीव रूल्स नाइनटीन सेवेंटी सेवन भी अलग से है ठीक है तो इस तरीके से टोटल पार्ट सेवन है अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी हम पार्ट वन सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं अभी हम यहाँ पर पार्ट वन की डिस्कशन कर रहे हैं जो बोलेंगे हम फंडामेंटल रूल्स रूल वन टू नाइन फंडामेंटल रूल्स वन टू नाइन हम इस पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं तो फंडामेंटल रूल वन दिज रूल्स कम्स इन टू इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जनवरी नाइनटीन ट्वेंटी टू वेरी इंपॉर्टेंट इसको याद कर लेना है दिस इज द शॉर्ट टाइटल एंड कमिशमेंट है अपलीकेबिलिटी क्या है दिज रूल अपलाई सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल थ्री टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट हुज पे इज डेबिटेबल टू सिविल एस्टिमेट्स एंड टू एनी अदर क्लास ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू वीच द प्रेसिडेंट मे बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर देम टू अपलीकेबल सो अपलिकबिलिटी की एज फार एज अपलीकेबिलिटी इज कंसर्न रूल थ्री में कुछ कंडीशन दिए हुए हैं उनको छोड़ करके वे सारे सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट वे सारे गवर्नमेंट सर्वेंट जिनको पेमेंट मिलता है सिविल एस्टीमेट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्लस जिस जिस डिपार्टमेंट को प्रेसिडेंट अपने जनरल या स्पेशल रूल ऑर्डर से डिक्लेयर कर दें कि सीसीएस रूल एफआर एफआर एफ एस आर रूल इज़ अप्लीकेबल टू दैट डिपार्टमेंट ऑल्सो उन सब में एफ रूल अप्लाई होता है अब रूल थ्री में ऐसा क्या एक्सेप्शन है वो देख लेते हैं तो रूल थ्री फंडामेंटल रूल थ्री दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हुज कंडीशन ऑफ सर्विस गवर्न बाई आर्मी और मेराइन रेगुलेशन सो आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलग अलग रूल हैं उनके लिए अलग अलग रूल बुक है और इसलिए एफ आर एस आर इज नॉट अप्लिकेबल टू तो डिफेंस सर्विसेज फंडामेंटल रूल फॉर डिलीटेड फंडामेंटल रूल फाई डिलीटेड फंडामेंटल रूल फाइव ए पावर टू रिलैक्स द रूल इन स्पेशल सरकुमस्टेंसेस जहाँ पर एक तरफ रूल थ्री में ये कह रहे हैं रूल टू में ये कह रहे हैं कि एंड टू एनी अदर क्लास ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू हिच द प्रेसिडेंट मे बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर देम टू अप्लीकेबल वहीं पे फंडामेंटल रूल फाइव ए में कह रहे हैं फिफ्थ ए में कह रहे हैं वेयर एनी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट टू गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट द ऑपरेशन ऑफ एनी ऑफ दिस रूल्स मेक ऑज एंड ड्यू हार्डशिप टू एनी पर्सन दैट मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट एज द केस मे बी मे बाई ऑर्डर फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइट एंड रिलैक्स द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट रोल टू सच एक्सटेंट एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे कंसिडर नेसेसरी फॉर डीलिंग विद सच केसेज इन जस्ट एन इक्विटेबल प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड एक्सेप्ट विद द कंकुरेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री रूल्स में कुछ ऐसे प्रोविजन हो सकते हैं जो किसी विशेष डिपार्टमेंट के विशेष लोगों को सूट नहीं करते इट कॉजेज अनड्यू हार्डशिप उन पर उन पर ये परेशानी क्रिएट करती हो तो वो डिपार्टमेंट पार्टिकुलर उसको जैसे कोई रूल टेन हो गया रूल फिफ्टीन हो गया रूल ट्वेंटी टू हो गया रूल फिफ्टी फाइव हो गया अगर इनमें से कोई रूल एक अप्लीकेबल नहीं है एक रूल हार्डशिप क्रिएट करता है अप्लीकेबलिटी के साथ तो उस रूल को एकॉर्डिंगली चेंज किया जा सकता है बदला जा सकता है उसके ऑपरेशन को चेंज किया जा सकता है कंडीशन क्या है एफ आर एस आर में चेंज करने का पावर सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को है सो so, चेंज करने के लिए कंकुरेंस हैज टू बी टेकन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सो so, ये एम का पॉइंट बनता है करेगी डिपार्टमेंट कुछ भी चेंजेस करने हैं करेंगी डिपार्टमेंट ये अप्लाई नहीं होगा ये करेंगी डिपार्टमेंट बट विद द कंकुरेंस ऑफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेस डेलीगेशन ऑफ आर रूल फाइनेंशियल रूल सिक्स फंडामेंटल रूल सिक्स द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डेलीगेट टू एनी ऑफ इट्स ऑफिट सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन विच इट मे थिंक फिट टू एम्पोज एनी पर्सन एनी पावर्स कन्फर्ड अपॉन इट दीज रूल्स विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन कुछ एक्सेप्शन के साथ डेलीगेशन ऑफ पावर को फैसिलिटेट किया गया है फंडामेंटल रूल नंबर सेवन नो पावर्स में बी एक्सरसाइज और डेलीगेटेड अंडर दीज रूल्स एक्सेप्ट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इट शैल बी ओपन टू दैट मिनिस्ट्री टू डे प्रिस्क्राइब बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर केस इन विच इट्स कंसलटेंस में बी प्रिज्यूम टू हैिवेन सो कंसलटेंस ऑफ कंसल्टे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सो so, इसमें क्या है रूल फंडामेंटल रूल सेवन में भी ये कह रहे हैं कि जितने भी डेलीगेशन वगैरह भी है वो सब भी होंगे बट सब्जेक्ट टू कंसल्टेशन विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंसल्टेशन से ही होंगे अगर कुछ चेंजेज करने हैं तो कुछ डेलीगेशन करने हैं तो कुछ एग्जाम्शन करने हैं तो हर चीज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पा कन्फोरेंस की ज़रूरत पड़ेगी फंडामेंटल रूल एट जो है वो बात करता है पावर रिजर्व टू प्रेसिडेंट द पावर्स ऑफ इंटरप्रेटिंग दीज रूल्स आर रिजर्व टू द प्रेसिडेंट कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हो सकते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं डाउट क्रिएट कर सकते हैं और वैसे में उसका सही इंटरप्रिटेशन क्या होगा सही मीनिंग क्या होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाई